नमस्ते भारत WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर सुवाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। नमस्कार, मैं भीमराव लूनारे IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली बार चुनाव हो रहा है और ये चुनाव काफ़ी रंग लाया है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी जो एडवोकेट वर्ग है वो इकट्ठा आए हैं और जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं श्याम अंबोरे सर, वो हमारे साथ में हैं। किस प्रकार से इनका एजेंडा रहेगा चुन के आने के बाद, हम उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBM TV9 और WH में। क्या बताना चाहोगे आप? मैं एडवोकेट श्याम अंबोरे, फैमिली कोर्ट में पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं। मैं प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हूँ और जो फैमिली कोर्ट में अभी तक नहीं हुआ, ऐसे चुनाव अभी पहली बार हो रहे हैं और हमारा एजेंडा ऐसा है कि हम पुलिस सेट यहाँ लाएंगे। जो मियां बीवी में काफ़ी झगड़े होते हैं, पुलिस सेट के बाद एक पोस्ट ऑफिस लाएंगे यहाँ। यहाँ टिकट नहीं मिलती फैमिली कोर्ट में, जेरोक्स की व्यवस्था नहीं है, टाइपिंग की व्यवस्था नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। वकीलों को, जब पुराना फैमिली कोर्ट था तो वहाँ वकीलों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ दो रूम लिए और वकीलों की बैठने की व्यवस्था की है वो काफ़ी कम है, वकील खूब बहुत ज़्यादा है। अब फैमिली कोर्ट में नई बिल्डिंग बनने वाली है सदर पुलिस स्टेशन के बाजू में, तो वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा बार रूम लेने की कोशिश करेंगे। कैंटीन की व्यवस्था अच्छी करने की कोशिश करेंगे, हो सके तो वहाँ लंच का इंतज़ाम करेंगे गरीब लोगों का, हो सके तो मुफ्त में लंच का इंतज़ाम करेंगे। जो नए लोग आएंगे प्रैक्टिस में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग दे के हाउ टू प्रैक्टिस वो सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी एजेंडा में आती है। फैमिली कोर्ट में एक ये होता है कि जैसे पति पत्नी अगर आ जाती है तो उनमें विवाद तो होता है, लेकिन विवाद होने के बावजूद उनका मसला जो है काफ़ी साल चलते रहता है। तो ऐसे में आप अगर चुन के आते हो, जल्दी से जल्दी अगर उनका एक तो मिलाप नहीं तो अलग, किस प्रकार से करूँ? देखिए, अभी फैमिली कोर्ट में सिर्फ 4 कोर्ट है और 10,000 से ज़्यादा केसेस है, इसलिए हमने कोशिश की है, जुडिशरी से बात की है तो और 5 कोर्ट आए हैं तो 9 कोर्ट हो गए, तो जल्द से जल्द निपटारा होगा। हमारे पास बेस्ट मेडिएटर है, वो उनसे बातचीत करके वो मसला हल करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ अपना टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, बच्चों का लाइफ ख़राब होगा। तो बेहतर है कि दोनों पार्टी, मियाँ बीवी दोनों समझ जाए, अपनी गलतियाँ मान ले और जल्द से जल्द निपटारा करके बच्चों का भविष्य अच्छा करने की कोशिश करें। कितने सदस्य है, यानी मतदाता कितने हैं आप? फैमिली कोर्ट में 2095 इतने वोटर्स है। 2095, ये पहली बार चुनाव हो रहा है और अगर आप प्रेसिडेंट बनते हो तो क्या आपका, यानी एजेंडा तो आपने बता दिया, लेकिन किस प्रकार से अपने जो मतदाता है उनका, यानी जो है, यानी उनकी, यानी एक श्रेय उनको अगर जाता है आप चुन के आते हो तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए? देखिए, मैं सिर्फ फैमिली कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ, मैं दूसरे कोर्ट के केसेस लेता नहीं हूँ। मैं वहाँ 11 से 6 अवेलेबल रहता हूँ। जो भी नए पुराने, जो भी हमारे दोस्त कलीग्स, जिनके भी जो भी प्रॉब्लम हो गए, मैं वहाँ सॉल्व कर सकता हूँ। मैं वहीं 20 साल से वहीं बैठता हूँ, तो मैं वाकिफ हूँ वहाँ के एरिया से या वहाँ के सिस्टम से वाकिफ हूँ। आप तो अंबोरे सर को सपोर्ट कर रहे हो, आपका नाम बताइए और किस प्रकार से आप इनको सपोर्ट कर रहे हो और आपकी क्या मांग है? मैं एडवोकेट डॉक्टर विपिन बावर, मेरे साथ एडवोकेट योगेश मंडपे जी, हम लोग पूरी टीम एक ही मकसद से सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो हमारा कैंडिडेट जवान है, पहला, उसने फैमिली कोर्ट को, जब फैमिली बार नहीं था,
वहाँ से शुरुआत करी, बैठने का इंतज़ाम नहीं था वहाँ से शुरुआत करी, और आज तक सारे फैमिली कोर्ट के प्रॉब्लम्स बिना पदवी के इन्होंने सॉल्व किए। और मुझे यकीन है कि आप जितने लोग देख रहे, जितने लोग सुन रहे, और मेरे भाई बहन वकील वर्ग, मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग ऐसे ओनहार कैंडिडेट को मत दो, ताकि आने वाले दिन में फैमिली कोर्ट ही नहीं पर जितने बाहर विदर्भ के से जो वकील लोग आएंगे फैमिली कोर्ट्स में, दे विल अप्रिशिएट एंड दे विल से यू हैव गिवन अ गुड कैंडिडेट फॉर द फैमिली कोर्ट। एंड मैं अश्योर करता हूँ कि सारी समस्या आने वाले दिन में लिटिगेंट्स की, वकील की और जुडिशियरी की भी जितनी रहेंगी, बार एंड बेंच मिलके अच्छा एक वहाँ पर वातावरण तैयार होगा, और आने वाले दिनों में लिटिगेंट्स खुश होकर कहेंगे, वकील लोग भी खुश होकर बोलेंगे, और पत्रकार भी, आप लोग भी आकर देखना कि कैसे अंबोरे साहब ने एक बार और कमेटी का एक करके पूरी समस्या सॉल्व करी। थैंक यू। फैमिली कोर्ट का इलेक्शन है और काफ़ी रंग ला रहा है और काफ़ी टक्कर भी है, आप क्या बताना चाहोगे श्याम अंबोरे सर के बारे में? सर, मैं एडवोकेट विलास राउत, अखिल भारतीय संघ का मंच महाराष्ट्र का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मित्रों, जिस तरह से फैमिली कोर्ट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम तो ऐसे मान के चल रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में से सबसे ज़्यादा फैमिली कोर्ट के मैटर्स अगर किसी के पास में अगर है तो है हमारे मित्र एडवोकेट श्याम अंबोरे साहब, इनके पास में वो एक्सक्लूसिवली वो फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और फैमिली कोर्ट के हर प्रॉब्लम के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी है। दोस्तों, मैं आपको इस माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी 22 तारीख को होने वाले, कल इलेक्शन होने वाले हैं, और जितने भी 2000 के आसपास जितने वोटर्स हैं, इन सबको हम कन्विंस कर चुके हैं और उन्होंने देखे हैं सच्चाई क्या है। आपको बताना चाहूँगा मैं, जब हमारे मित्र श्याम अंबोरे जी जब प्रभारी प्रेसिडेंट थे वहाँ पर, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके मैक्सिमम लोग जानते हैं उनके कार्य, इतने बड़े कार्य उनके कि हर वकील जानता है। और यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके चुन किए आने के चांसेस 99% दोस्तों, क्योंकि अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा स्वभाव, ये सारी चीजें उसके जन्मजात होनी चाहिए। वो व्यक्ति जो जाता फैमिली कोर्ट में, कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो वो उनका तहे दिल से स्वागत करें। निश्चित ही, निश्चित ही। हमारे साथ में महिला वकील भी है, हम उनसे भी जानेंगे। मैडम थोड़ा सामने आ जाइए, आपका परिचय बताइए सबसे पहले। मैं एडवोकेट शर्मिला चरलवर। क्या बताना चाहूंगे अभी अंबोरे सर एक प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए? हम लोग उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा ऐसा कहना है कि वो अगर प्रेसिडेंट चुन के आए तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बैठने वाले लोगों का एक अपना अलग प्रॉब्लम चलता है। एक दो केस के लिए वहाँ जो लोग आते हैं उनका कोई यहाँ ज़्यादा रोल नहीं रहता है, लेकिन अगर हम वहीं काम करते हैं, और हम बहुत सारे लोग हैं कि जो वहीं काम करते हैं, तो हम, मेरे ख्याल से मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। आप महिला हो और महिला वकील हो, और कैसी है उस फैमिली कोर्ट में देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे शिशु को लेके आते हैं, तो उनको जब यानी एक रूम नहीं मिलती है जब उनको बच्चे के लिए, परवरिश के लिए वगैरह, तो इसके बारे में आप क्या करना चाहोगे, यानी बार में क्या सुविधा रहेगी इसमें? बार में ऑलरेडी कोर्ट ने बच्चों के लिए एक बाल संकुल बनाया है और वो सिस्टम अच्छी चल रही है, यानी है वो? हाँ, वो है, वो हमको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको करने लायक बहुत सारे जो काम है वो हम करेंगे। अंबोरे सर के बारे में क्या बताओगे? अंबोरे सर और मैं, हम लोग तो एक टेबल शेयर करते हैं और 12-13 साल से हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो एज ए वकील और एज ए मतलब कलीग, उनका व्यक्तिमत्व बहुत अच्छा है और वो सपोर्टिंग रहते हैं, और उनसे हम अगर कुछ हमारी अपेक्षा रहती ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, तो बिन दिक्कत कर देते। और आप क्या बताना चाहोगे? मेरा नाम एडवोकेट सुचिता डोंगरे है और मैं अंबोरे सर के लिए कॉन्टेस्टिंग कर रही हूँ। अंबोरे सर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। आपको कोरोना का एक समय याद होगा, जब कोरोना के वक्त एडवोकेट्स लोगों को नीचे से ऊपर नहीं जाने दिया जा सकता था, कोर्ट के अंदर एडवोकेट्स लोगों को मनाई थी। अंबोरे सर ने हमारी प्रिंसिपल जज जो थी उस वक्त की, ठाकरे मैडम, उनसे लड़ाई किए, उस डैशिंग के साथ में लड़ाई किए कि अगर कोई एडवोकेट नीचे से ऊपर नहीं गया
और एडवोकेट ऊपर न जाते हुए कोर्ट को एड्रेस नहीं करेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा। तो सर ने प्रिंसिपल जज मैडम को लेटर भी लिखे और उनसे झगड़ा भी किए कि सभी एडवोकेट्स लोगों को ऊपर छोड़ो, भले ही उनके क्लाइंट्स को नीचे रखो। तो सर के कहने पे मैडम ने वो ऑर्डर पास किए और सर के ही कहने पे सभी एडवोकेट्स लोगों को नीचे से ऊपर जाने दिया गया। अंबोरे सर को सपोर्ट करे वकील, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अंबोरे सर को सपोर्ट करने के लिए, अंबोरे सर के प्योरली प्रैक्टिस फैमिली कोर्ट में है और अगर कोई नवसिखा एडवोकेट है और उसको एप्लीकेशन तक ड्राफ्ट करने नहीं आती है तो अंबोरे सर उसको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। और अंबोरे सर का स्वभाव ऐसा है कि थोड़ा सा ऊपर से, आपने नीम देखे ना, ऊपर से कड़वा रहता है लेकिन वो मेडिसिनल प्लांट है, वो आपको कभी आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है ठीक है, आप क्या बताना चाहोगे? कहने 10 वर्षापासून मी म्हणजे 10-15 वर्षापासून त्यांना ओळखते, व्यवस्थित काम आहे त्यांचं, प्रामाणिकपणे काम करतात आणि कोणालाही दुखवत नाही, ही त्यांची वैशिष्ट्यता आहे। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि आगामी अभी ये जो कल यानी 22 दिसंबर को फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव है और काफ़ी टक्कर इस चुनाव में देखा जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट के लिए श्याम अंबोरे सर खड़े हैं और इनका सपोर्ट भी काफ़ी एडवोकेट वर्क कर रहा है, लेकिन देखा ये जाएगा कि इस चुनाव में कौन बाजी मारता है, तो ये आने वाला समय ही आपको बताएगा। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तो बने रहिए WH न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।